टीवीएस ने भारत में अपनी नई 110 सेंटीमीटर कम्यूटर बाइक रेडियन को लॉन्च कर दिया है। टीवीएस रेडियन की कीमत भारत में 48,400 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली रखी गई है। रेडियन की लॉन्चिंग के साथ ही टीवीएस ने भारत में कम्यूटर बाइक सेगमेंट ने अपनी पकड़ मजबूत की है। टीवीएस रेडियन की डिजाइन पूरी तरह से नई है और इसे खास तौर पर युवा ग्राहकों के लिए उतारा गया है जो ट्रेंडी कम्यूटर मोटरसाइकिल खरीदने की सोचते हैं। ये कम्यूटर बाइक पूरी तरह से नई चेसिस पर बेस्ड है और इसमें सिंगल क्रेडल टुबुलर फ्रेम दिया गया है। कंपनी ने इस बाइक को खास तौर पर छोटे शहर या ग्रामीण इलाकों के 25 से 35 वर्ष की आयु वाले ग्राहकों के लिए उतारा है। टीवीएस रेडियन में 109.7 सेंटीमीटर सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर कूल्ड इंजन दिया गया है जो 7000 परिक्रमण प्रति मिनट पर 8.3 bhp का पावर और 5000 परिक्रमण प्रति मिनट पर 8.7 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के दावे के मुताबिक इस बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी 69.3 kmpl है। भारतीय बाजार में इस बाइक का मुकाबला भारत के सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर से रहेगा। रेडियन को सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है जो कंपनी के मुताबिक सेगमेंट में पहली बार है और ब्रेकिंग कंट्रोल के लिहाज से बेहतर है। कंपनी ने ये भी जानकारी दी है कि इस टेक्नोलॉजी से फिसलने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। उम्मीद है कि टीवीएस रेडियन की डिलीवरी अगले महीने तक शुरू हो जाएगी और कंपनी पहले साल में 2 लाख यूनिट्स की सेल का टारगेट लेकर चल रही है। रेडियन को सबसे पहले 2012 ऑटो एक्सपो में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। हालांकि प्रोडक्शन मॉडल एक्सपो में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल से काफी हद तक अलग है। कॉन्सेप्ट मॉडल को 125 सेंटीमीटर इंजन के साथ पेश किया गया था जबकि मौजूदा रेडियन में 110 सेंटीमीटर इंजन है।